हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दुनिया में कोई भी राष्ट्र हो वह वहां की धार्मिक संप्रभुता के आधार पर ही पहचाना जाता है, परंतु दुर्भाग्य से हिंदुस्तान अभी तक करोड़ों हिंदुओं की जनसंख्या के बाद भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया है। बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदू जन अपनी उस संप्रभुता को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वास्तव में उसे अधिकार है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के 108वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में जंतर मंतर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने हेतु हस्ताक्षर अभियान की घोषणा कर 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के 109वें स्थापना दिवस पर 13 अप्रैल 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू राष्ट्र निर्माण सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, जहां उन्हें 10 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा जाएगा। रविवार को हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय अभियान के संबंध में मध्य प्रदेश में आए। इस दौरान मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में MR10 ब्रिज के पास योगी बाबा बम्बम नाथ के आश्रम पर माननीय नितिन उपाध्याय का स्वागत करते हुए अभियान को सफल बनाने के लिए रूपरेखा बनाई गई। इस अभियान का मध्य प्रदेश का संयोजक महेंद्र यादव भैयू भैया को बनाया गया है। वही राजस्थान का संयोजक निहारिका शर्मा को बनाया गया है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के हस्ताक्षर अभियान के संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए अभियान के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय ने कहा कि भारत मुगलों के समय भी हिंदू राष्ट्र था और अंग्रेजों के समय भी। वर्ष 1947 में आजादी मिलने के बाद जब धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हो चुका था, तब भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना था, किंतु तुष्टिकरण की राजनीति के चलते भारत का हिंदू आज तक बहुसंख्यक होने के बाद भी देश में अपमान झेल रहा है। राम जी की यात्रा निकालने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है। धार्मिक त्यौहार मनाने के पहले सोचना पड़ता है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में धार्मिक जुलूस इत्यादि नहीं निकाले जा सकते हैं, जबकि हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुस्लिमों के सभी जुलूस जल से निकल सकते हैं। बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदुओं का उनका वह अधिकार नहीं मिल पाया है जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। वर्तमान में देश में नरेंद्र मोदी के रूप में सनातनी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि श्री मोदी की अगुवाई में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान देशभर में चलाया जा रहा है। अभियान के मध्य प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव भैयू भैया ने बताया कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के गांव-गांव जिले-जिले में हस्ताक्षर अभियान को लेकर रूपरेखा बनाते हुए प्रभारी तय किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक हिंदू जनमानस को अभियान से जोड़ने के लिए समय समय पर जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। हिंदू महासभा द्वारा किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य और मकसद है? हिंदू महासभा का 108वां स्थापना दिवस 13 अप्रैल 2022 को दिल्ली में जंतर मंतर में मनाया गया था और वहां पर हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी जी ने ऐलान किया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान हिंदू महासभा के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका हस्ताक्षर अभियान समिति का मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। और हमारा हस्ताक्षर अभियान पूरे देश में 13 अप्रैल से ही हमने शुरुआत की है और आज मैं मध्य प्रदेश आया हूं, यहां पर भी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने। हमारे हस्ताक्षर अभियान की मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी समाज सेवी भैयू जी को दी गई है और राजस्थान में निहारिका शर्मा जी को ये जिम्मेदारी दी गई है हिंदू महासभा के द्वारा। तो पूरे देश में
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम एक साल में 10 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे और अगले आने वाले जो हमारा 109वां स्थापना दिवस होगा तो दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को आमंत्रित किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और माननीय प्रधानमंत्री को हम 10 करोड़ हस्ताक्षरों का एक ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्यों लगता आपको कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्यों लगता इतना ज़रूरी है? देखिए भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से था। जब मुग़ल आए तब भी भारत हिंदू राष्ट्र था, जब अंग्रेज आए तब भी भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत ने जो आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से लड़ी तो हिंदुओं के लिए लड़ी, हिंदू राष्ट्र के लिए। 1947 में जब ही स्वतंत्रता के बाद बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया, उस समय के नेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इस समय सनातनी प्रधानमंत्री हैं और हिंदूवादी विचारधारा के प्रधानमंत्री हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, तो ये बहुसंख्यक होते हुए भी अगर हम अल्पसंख्यक की ज़िंदगी जी रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके लिए किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? हस्ताक्षर अभियान तो चलाए जा रहे हैं और क्या क्या आगे इसके लिए होगा? देखिए हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू जागरण अभियान, हस्ताक्षर अभियान ये पूरे देश में चालू है और हर प्रदेशों में, प्रदेश संयोजक जिले में, तहसील में और ग्रामीण लेवल से हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि वीर सावरकर जी का सपना था कि हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण बहुत आवश्यक है। आज हम बहुसंख्यक होते हुए भी अपने देश में भगवान राम की यात्रा नहीं निकाल पाते, जगह जगह लव जिहाद और भगवान के यात्राओं पे पथराव होते हैं, मंदिरों में अतिक्रमण हो रहा है, इसके लिए हिंदू राष्ट्र बहुत आवश्यक है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरी जात वालों को हम भगा देंगे। हमारे देश में एक देश है तो सबके लिए एक ही कानून रहेगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नसबंदी हिंदुओं के लिए आवश्यक है तो वो मुसलमानों के लिए भी रहेगी। हम ये नहीं चाहते कि हिंदुओं के बच्चे खाली IAS PCS बने, मुसलमानों के भी बने, मदरसे बंद हों और सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। एक देश एक कानून, सबके लिए एक ही कानून रहेगा और हमारा यही सपना है हिंदू राष्ट्र का। सर बताएं, आपको एक जवाबदारी सौंपी गई है हस्ताक्षर अभियान की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इसके कैसे आप निर्वाह करेंगे और क्या कहना चाहते हैं सर? आज आदरणीय भाई साहब हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी का इंदौर आगमन हुआ प्रवास पर और उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है हस्ताक्षर अभियान की, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू महासभा आज देश के 29 राज्यों में कार्य कर रही है, हस्ताक्षर अभियान और हिंदुओं का एकाकीकरण, एकता और संगठन की शक्ति जुटाकर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं देश हमारा है, ये हिंदुओं का राष्ट्र, शुरू से हिंदू राष्ट्र रहा है। इसको आज से 400 साल पहले वीर शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, जो आज तक हिंदू राष्ट्र की मान्यता हमें नहीं मिली गई। जब जहाँ देश में सनातनी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, देश में हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं के साथ में हिंदुओं के मंदिरों पर हिंदुओं के संत समाज, पालघर में देखा जैसे हमारे हिंदू समाज के संतों के साथ में क्या हुआ, कई मंदिर और रैलियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को देख कर आज हिंदू संगठन जागे और उन्होंने देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की, जिससे सब हिंदू समाज को एकत्रित कर हस्ताक्षर अभियान जगह के 29 राज्य, देश के 29 राज्य और 741 जिले में हिंदू महासभा आज सभी जगह ये हस्ताक्षर अभियान कर रही है, जिसके समक्ष आज भाई साहब महाराष्ट्र से यहाँ आए और मुझे ये कार्य सौंपा गया। बताएं मैम, आप इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं जो हिंदू राष्ट्र के लिए अभियान चलाया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है इसकी इस वक्त हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इस वक्त इतनी संख्या में होने के बाद भी राम जी की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे, अगर हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो शव यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा होना इस वक्त सबसे पहला कदम इस वक्त सरकार को यही उठाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। और इसके लिए मैं हिंदू महासभा को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस आगे आए और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करी। ये सिर्फ एक हिंदू महासभा का कार्य नहीं है, ये इस वक्त प्रत्येक हिंदू का, जो सच में हिंदू है उसका काम ये है कि इस वक्त वो आगे आए। मैं पूरे भारतवर्ष से आह्वान करती हूँ कि आगे आकर और भारतवर्ष के प्रत्येक हिंदू आगे आएँ और हिंदू महासभा का हस्ताक्षर अभियान को आगे बढ़ाएँ।